चंडीगढ़ के एक फाइव स्टार होटल के किसी गल नूं लैके बहस हुई तो दो धिर भिड़ गई तो सीधे तौर के उत्ते इल्जाम लगे ने उदय वीर रंधावा के उत्ते जो पंजाब के सबका उप मुख्यमंत्री है जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के सपुत्र ने पंजाब की सरकार से तो कोई गल आती चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन का मामला है तो चंडीगढ़ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए है कैमरे वाले के उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है जिहड़े छड़वा नहीं रहे सगो अगे हो गए ना विआह की जिवें बरातियां की वीडियो बनाई दी है एवें कर रहे ने बंदे मीडिया के बंदे इस तरह की खबर करते हैं उन्हां ते भी परचा दर्ज हो हाँ भी उन्होंने कोई लिहाजदारी नहीं होनी चाहिए सुखजिंदर सिंह रंधावा चर्चा दे विच आ गए ने आए ने अपने पुत्र दे कारण सुखजिंदर सिंह रंधावा दे पुत्र उदय वीर रंधावा दे उत्ते ढिल्लों साहब इल्जाम लग गए ने कि उन्हें किसी व्यक्ति दे नाल कुटमार की है तो व्यक्ति का नाम नरवीर सिंह आ जिहड़ा जाके थाने भी रिपोर्ट लिखाया हस्पताल दे विच भी इलाज करवा लिया तो वह कहिंदा जी मेरे ते जदों माड़ी मोटी बहस हुई उदों बाद हमला किया गया जख्मी आ वो तो फिलहाल पुलिस कार्रवाई के जुटी हुई है चंडीगढ़ के एक फाइव स्टार होटल के किसी गल नूं लैके बहस हुई तो दो धिर भिड़ गई तो सीधे तौर के उत्ते इल्जाम लगे ने उदय वीर रंधावा के उत्ते जो पंजाब के सबका उप मुख्यमंत्री है जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के सपुत्र ने देखो इत्थे आके तो हुण पंजाब की सरकार से तो कोई गल आउंदी नहीं चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन का मामला है तो चंडीगढ़ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए है यदि बकायदा पड़ताल करनी चाहिए है कि जो शिकायतकर्ता दोष ला रहा है वो दुरुस्त है जानबूझ के तो नहीं राजपाल बनवारी लाल पुरोहित उत्थों के मुख्य प्रशासक ने चंडीगढ़ का DGP भी वखरा है ये पड़ताल की योग है इनू पड़ताल करके जे वो दोषी पाया जाता है तो कोई लिहाजदारी नहीं होनी चाहिए तो जे इल्जाम झूठे ने तो कार्रवाई शिकायतकर्ता वाल हो पड़ताल का विषय से उस तो पहला यह नहीं कह सकते कि वो दोषी है या नहीं जो कुछ भी होया चंडीगढ़ की पुलिस को पड़ताल करके ये मसला हल करना चाहिए ये ही चंडीगढ़ के एक होर खबर बहुत वड्डे पद्धर से फैली है जी चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के लड़ाई हुई है बिल्कुल जी वो कैमरे वाले के उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है जिहड़े छड़वा नहीं रहे सगो अगे हो गए ना विआह की जिवें बरातियां की वीडियो बनाई दी है हाँ एवें कर रहे ने बंदे वो भी बहुत वड्डी पड़ताल का मुद्दा हैगा देखो इन्ने जने खड़े है जे चार जने लड़दे है उत्थे 100 जना खड़े है तुसीं अपनी भूमिका निभाओ उन्हां नूं हटाओ अच्छा है भी मेरे ख्याल च कहिंदे मीडिया के पत्रकार सी जिहड़े सिर्फ कवर अपनी खबर वास्ते कर रहे सी जे मीडिया के बंदे इस तरह की खबर करते हैं उन्हां ते भी परचा दर्ज हो हाँ चीज कोई लिहाजदारी नहीं होनी चाहिए कि तुसी अपने हित लई लोकां नूं लड़ा दिओ ये जिहड़े जे मीडिया के लोग है पता नहीं उहदे बारे पर मीडिया का एथिक्स ये नहीं कहिंदा कि तुसी अपने मफाद लई लोकां नूं लड़ा दिओ कदे नहीं ते जे कुछ है तो मीडिया हाउस में भी कोई ना कोई इस तरह के सैमीनार कराने चाहिए है इन्हां दे रिफ्रैशर कोर्स समय समय सिर कराई जान पहला समा सी बहुत सारे पत्रकार वो यूनीवर्सिटिया तो जर्नलिज्म वगैरह करके आते अजकल तो पता ही नहीं लगता हरेक प्रेस कॉन्फ्रेंसा दे विच तुहानू 20 नवे मिल जाएंगे जिन्हां नूं तुसीं जानते ही नहीं होंगे जी निडर हाँ निरपक्ष रहा आजाद हाँ सच कहा गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी
अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।